MusicList.com, royalty free music for marketing and promotional videos. MusicList.com, royalty free music for marketing and promotional videos. MusicList.com, royalty free music for marketing and promotional videos. MusicList.com, royalty free music for marketing and promotional videos. बिल्कुल सवाल ये है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि अभी नेशनल हाईवे से रोड जो बड़े बड़े रोड जिन्हें कि ठीक तरीके ने बनाचे सब कुछ बड़ी अच्छी गल है, जिनी डिवेलपमेंट हो गया अच्छी गल है। लेकिन सवाल इस गल का इस वेले कोविड 19 के तहत जी महामारी इस देश के फैली हुई है, मैं तो एक लगा भी इन्हें इस वेले ऐसा काम नहा शुरू करना चाहिए, जरा पंगा नहा लेना चाहिए, क्योंकि लोग बेरोजगार ऑलरेडी बेरोजगार न कोई जो कोई माड़ा मोटा काम करे करता हा वह भी हूँ परेशान हुई है। हूँ इस बेरोजगारी के इस परेशानी के इस कोविड टाइम के अज लोग कुछ जाएंगे, कोई अपना समान चुकी उधर दौड़ा उधर दौड़े करता है ना, ना अगे ना पिछे। हूँ इतने मसला है रोजी रोटी का, अज रोजी रोटी के लाले पवे कदन तो दूई बखी गौरमेंट आती भी इसकी हूं अगर क्लीयर करो। मैं तो आगा जो गौरमेंट ने जो स्टैप उठाया इस वेले ये ठीक नहीं है और ना ही ठीक है। ठीक है इन्हें मुआवजा देता एक किता वो किता, असं ये नहीं आखते भी नहीं दिता मुआवजा, सड़क भी बननी चाहिए, लेकिन उसका कुछ टाइम दिखी है। अज जो पैसा बर्बाद हो करता इस पैसे की हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल उत्ते पैसा लाते ताकि जो मरीज जो बेचारे मर रहे हैं जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिले करती, जिन्हें बेड नहीं मिले करते, जिन्हें रोजी रोटी नहीं मिले करती, जो पैसा इतने लगना चाहिए हा जो कि बर्बाद करे कदन। क्या ये काम ये 6 महीने बाद ना हो सकता, तो जरूरी थोड़ा भी अज ही काम करना। इस वेले जिंदगी का मसला है, जिंदगी मौत का मसला, असं लोग जिंदगी मौत के गुजर रहे हैं और आम आदमी मर रहा है। पहले गवर्नमेंट की वह चाहिए हा, लेकिन गवर्नमेंट ने जरा इसलिए काम लाइता, हूँ ये गवर्नमेंट आपू भी फैसला करना भी क्या ये जरूरी है हूं है या बाद भी हो सकता, अगर बाद करते तो हो सकता जरा पैसा लोगों की जिंदगी कम आता। डॉक्टर दादा और पति ने ये जो आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे और खड़ी और इंडिया के बंदे आए हुए हैं, ये जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं 37 फीट 110 फीट ये जो ऊपर आप दुकानें थोड़ी जा रही हैं, ये बेसिकली नेशनल हाईवे का रकबा है और इस रकबे को इन्होंने ऑलरेडी एक्वायर किया हुआ है और इसका जो कंपनसेशन मुआवजा जो इनके लोगों को मतलब दिया जा चुका है, आज इन्होंने इसको वायरिंग करने की जरूरत महसूस की है। इसलिए आज मैंने मौके पे आके हमारे राम साहब और बाकी जो महकमा के बंदे हैं आकर इंक्रोचमेंट राय जो है इसको मौके पे कर रहे हैं ताकि ये रकबा है इसको दोबारा यहाँ पे रोड बनाई जा सके। नई रोड बनाने के लिए दुकानें तोड़ी गई,
हाँ, इनको अगर जो कंपनसेशन है ना, ये NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से दिया जा चुका है, और ये सभी जो लैंड है नेशनल हाईवे की है। ये दुकानें आज क्यों तोड़ी जा रही हैं? ये सर नेशनल हाईवे के इंक्रोचमेंट है, यहाँ पे सर्विस रोड का प्रपोजल है, अंडर पास का प्रपोजल है। ये कहाँ कहाँ पे तोड़ी जाएंगी? अभी यहाँ पल्ली में यहीं पर तोड़ी जाएगी, बस पब्लिक का और हमारे जो मैप साहब का बड़ा सहयोग है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ में, कोई वायरस नहीं, साफ से काम हो रहा है। जो दुकानें तोड़ी गई हैं इन्हें कंपनसेशन मिल चुका है? हाँ बिल्कुल, रेवेन्यू से पहले कंपनसेशन मिलता है, उसकी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। कार्रवाई जो है ये बिल्कुल एक लीगल तरीके से कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई है, ये नेशनल हाईवे का रकबा था और यहाँ पे लोगों ने जो है दुकानें 20-25 साल से बनाई हुई हैं, इन लोगों को मुआवजा वगैरह सब कुछ मिल चुका है। और यहाँ पे एक गवर्नमेंट की समस्या ये है कि यहाँ पे अभी एक फ्लाईओवर बनने जा रहा है जिसकी बड़ी जरूरत है, और यहाँ पे आए दिन आपको पता है एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो उसी के तहत इनको हमने पूरे 20-25 दिन का टाइम दिया था, उनको नोटिस वगैरह जारी किए थे और बिल्कुल इनको बकायदा टाइम देके इनको पूरा इससे रिक्वेस्ट की गई थी कि जो भी अपना सामान वगैरह है वो अपने टाइम से निकाल लें, ताकि इनका कोई भी जब हम इसको डिमोलिशन करें तो उनका नुकसान ना हो। तो उसी के तहत जो है लोगों ने कोऑपरेट किया है, और लोग अपने पूरा कोऑपरेशन के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है साथ होकर इस सामानों को चलवा रहे हैं, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। और कहाँ कहाँ पे फ्लाईओवर बनाने की अभी सरकार की कोशिश है? देखिए आपको पता है एक्सप्रेस वे का काम भी आपको पता है साथ साथ चल रहा है, तो जहाँ जहाँ एक्सप्रेस वे के साथ ये वो जुड़ जाएगी ये वाली नेशनल हाईवे, तो वहाँ वहाँ तो अपने आप ये समस्या जो है हल हो जाएगी। जहाँ जहाँ इसकी जरूरत होगी वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कुछ पॉइंट जो है डेजिग्नेट किए हुए हैं, तो वहाँ पे भी इसका ऐसे ही फ्लाईओवर बने जाएंगे।